ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे कि प्रेतों की नेगेटिव एनर्जी की शामत आने वाली है। जिसने ये प्रयोग एक बार कर लिया, उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी प्रकार की कोई भी अलौकिक शक्ति जो कि आपके हित में कार्य नहीं कर रही है, दूर भाग जाएगी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक विशेष प्रकार की धूप, जिससे कि सारी बुरी शक्तियां डरती हैं। बाजार में मैंने काफी रिसर्च किया और पाया कि जितनी भी धूप हैं वो अधूरी हैं। हर एक में किसी न किसी जड़ी बूटी की कमी है। कोई सिर्फ लोबान से बनी हुई है, किसी में सिर्फ अगर तगर है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप घर पर ही एक बहुत ही उम्दा नुस्खा बना सकते हैं, जिससे कि कोई चांस ही नहीं रहता कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में ठहर जाए। तो इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा कपूर, आपको ये लोबान चाहिए होगा। ये मिलता नहीं है खास तौर पर, आप देख लीजिए, ये आपको मिलेगा नहीं। मैं आपको फिर भी बनाना सिखा देता हूँ। ये लोबान की एक वैरायटी है, आप यहाँ देखिए कि चील के पेड़ का फूल है। ये आपको पहाड़ी इलाकों में मिल जाएगा। 3 लौंग, ये जो हैं ये ओपले हैं गाय के, आपको गाय के ही लेने हैं। भैंस के अगर लोगे तो बुरी शक्तियां आपकी तरफ आ जाएंगी, तो ये आपको गाय के लेने हैं। रोज जलाने के लिए सिर्फ 2 चाहिए, या फिर इतना सा गोबर भी चल जाएगा सूखा हुआ। और ये देखिए, ये औषधि आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। ये देखिए, ये भी लोबान ही है, काफी वैरायटी है मेरे पास। अब इसमें आपको चाहिए ये भी अगर तगर का पेस्ट है, आप देख लीजिए, ये भी आपको इसमें डालना है। ये भी लोबान है, ये लोबान भी आपको इसमें मिलानी है। इसके बाद ये भी लोबान है, ये भी आपको इसमें मिलानी है, और ये वाली लोबान भी आपको इसमें मिलानी है। तो एक एक पीस इनमें से सबका डालते जाइए। इनमें 3 लौंग, थोड़ा सा कपूर और चील का थोड़ा सा ही डालिएगा, पूरा नहीं, एक दो पत्ते तोड़ कर डाल लीजिएगा। और ये सारा मिलाकर इसको आपको आग लगा देनी है, और उसकी धुनी अपने घर में करनी है, जहां जहां आपको लगे कि नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है वहां पर जाकर इसको रखाइएगा। ऐसा करने से पहले ही दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, जहां कहीं भी कुछ भी अलग सा हो रहा जो कि प्राकृतिक ना हो, वो दूर हो जाएगा। अभी की फिलहाल की बात है, हिमाचल का एक गांव था खनियारा, वहां पर किसी फैक्ट्री में एक मशीन बंद पड़ी थी, वो चल नहीं रही थी। तो इस उपाय के करने के बाद वो चल पड़ी। तो कई बार ऐसा होता है कि मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उसको दूर करने के लिए आपको बस इतना सा करना है, इसका एक इनको पीस लीजिए या फिर छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और इनका जो है धुआं पूरे अपने घर में कीजिए, अपनी फैक्ट्री में कीजिए, कहीं पर भी कीजिए। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। किसी का किया कराया हो वो भी दूर हो जाएगा। बस आपको रोज थोड़ा सा धुआं इनका करना होगा। जितने भी लोबान हैं और इनका धुआं जब निकलेगा इसमें से, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रह जाए। थोड़ा थोड़ा आप सब में से लेते रहिए और इसका धुआं बना लीजिएगा। तो जहां जहां ये धुआं जाएगा, वहां वहां जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। धन्यवाद।